एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे ये सभी लोग डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं ताइजू को, और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि हम कैसे भी करके हकाई को रोकेंगे उसे मारने के पहले, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है उसे काफी ज्यादा दुख होगा और मैं नहीं चाहता कि ताइजू के रहने की वजह से हमारी पूरी गैंग मारी जाए या फिर कुछ भी नुकसान हो। ताकेमिची और चिफुयू दोनों से पूछा जाता है कल कि इसका जवाब तुम लोग दोगे कि हमारे साथ हो या नहीं, जिसके बाद वो कहता है चिफुयू कि क्या तुम सच में उसे मारने की कोशिश करोगे। इस पर वो कहता है कि किसाकी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बाजी और हिनाता को कई बार मारा है और हमें उसके साथ वर्क करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ तो देखनी ही होगी, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है तो हमें उसे चेंज करना होगा और मैं दोबारा से हिना को छोड़ना नहीं चाहता और ना ही बाजी को, ना ही तुम्हें चिफुयू, क्योंकि तुम भी मेरे गैंग मेंबर में थे और तुमने मेरे लिए जान भी। ये सारी बात वो सोच रहा होता है, जिस पर वो कहता है हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, अगर हमने अभी हकाई को मार नहीं रोका ताइजू को मारते वक्त तो फ्यूचर में चेंजेस होंगे ही नहीं, जिसकी वजह से कुछ भी बदलेगा ही नहीं। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अभी खाना खाने चलते हैं, जहाँ पे दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। दोनों ही कल क्रिसमस का वेट करेंगे एंड जवाब देंगे किसाकी को। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उन दोनों के बीच की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, जो होगा हम क्रिसमस में ही देखेंगे। तो आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, यानी किसाकी एंड बाकी लोग भी, और अब ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि इन्हें करना क्या है। नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है कि ताकेमिची जब रास्ते से जा रहा होता है तब उसके सामने से हिनाता और यहाँ पर आ रहा होता है उसका भाई नाओतो, दोनों ही सामने होते हैं, जिस पर काफ़ी तक खुश होते हैं दोनों के दोनों। जिस पर वो कहता है कि आज तुम बड़ी शांत हो, जिस पर वो कहता है मैं काफ़ी तक खुश हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर ताकेमिची समझता है कि अरे मैं तो डबल डेट पे बुक हो चुका हूँ, मतलब कल मैंने किसी और को भी कुछ कहा था, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ताइजू की ख़त्म करने की। एंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है एंड किसाकी के बारे में हिनाता भी जानती है, क्योंकि वो एडवांस क्लास में पहले से ही दो दूसरे से मिल चुके थे बचपन में। यहाँ पर पता चलता है कि किसाकी काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट था पढ़ने के दौरान ही, और यहाँ पर वो उससे मिलने भी गई थी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल भी है, ऐसा वो बचपन में रहता था। और हिना को कहता है कि वो जा रहा है यहाँ से, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों ने साथ में काफ़ी समय गुजारा था, इन द सेंस कि वो एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे थे लेकिन एक अच्छे दोस्त ज़रूर थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ताकेमिची को, जो कि समझ नहीं पा रहा होता है, और वो बताता है कि फ़िलहाल तोमन का सबसे बड़ा मेंबर है वो किसाकी, जिसकी तुम बारे में बात कर रहे हो। इस पर वो बताता है, हिनाता बताती है, लेकिन ताकेमिची उसी समय मैं भी तुमसे मिली थी फर्स्ट टाइम, और तब मुझे तुमसे लव हो गया था। उसने वो बताती है कि तो कुछ बच्चे एक कैट को टॉर्चर कर रहे होते हैं पार्क के अंदर, उस टाइम पे किसाकी मैं और तुम फर्स्ट टाइम मिलती थी। बात है कि ये लोग आपस में बचपन में ही कभी ना कभी मिले थे, और आज से ये 14 साल पहले की बात है। ये एक फ्लैशबैक है जहाँ पे कुछ बच्चे एक छोटी सी बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं एंड हिनाता उनको रोकने के लिए जाती है एंड वो रोने लगती है, तभी किसाकी पीछे से ही वो सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी करता नहीं है। तभी एक ज़बरदस्त ताकेमिची किक आकर मारता है एक बच्चे के पेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था, एंड वो बोलता है कि तुम इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो, मैं एक सुपर हीरो हूँ एंड बचा लूँगा मैं इसे। जहाँ पर वो तीनों बच्चे मिलकर उसे बहुत गंदा वाला मारते हैं। यहाँ पर हिना काफ़ी ज़्यादा रोती है एंड ताकेमिची को भी कहती है कि तुमने फ़ाइट क्यों करी। इस पर ताकेमिची कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी फाइट कर सकती थी लेकिन तुमने नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी स्ट्रांग होंगे। जिस पर ताकेमिची प्रेजेंट टाइम वाला कहता है कि ये मुझे याद क्यों नहीं है, तब वो पता चलता है कि एक्चुअली में ये बात पुरानी 14 साल की है एंड ये 14 साल पुरानी बात जो होती है वो उसे याद नहीं है, एंड उस टाइम से ही हिना जो है लव में होती है। इसीलिए लोग सबसे पहले छत पर मिले थे जब उन कुछ लड़कियों ने ताकेमिची को ये बताया था कि सेकेंड क्लास की लड़की तुम्हें लव करती है। इस पर वो काफ़ी खुशियों से खुशी जा रहा होता है वहाँ से, कि वो 7वें आसमान में है, काफ़ी तक खुश है। तभी यहाँ पर वो सब सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि क्रिसमस ईव यही वो दिन है जब मैंने उसे डंप किया था, लेकिन मैंने इसे डंप किया क्यों था हिना को। एंड ये बात वो सोच ही रहा होता है कि मैं और हिना तो काफ़ी ज़्यादा लव में है तो कैसे। तभी नाओतो वहाँ पर आता है, एक्चुअली में ये नाओतो नहीं है, नाओतो का डैड है। अब यहाँ पर वो बताता है
कि वो नाओतो और हीना दोनों का ही फादर है, जिस पर वो उनसे नमस्ते करता है। जिसके दोनों ही लोग खाना खाने जाते हैं एंड वो बताता है, मुझे पता है कि मेरी डॉटर तुमसे लव करती है और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मत रहो। एंड वो ये भी बताता है कि वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा काम में रहता है, इसलिए उसे इतने ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ताकेमिची इन सभी बातों को सुनता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जहाँ पर तहिना को दिखाया गया है, जहाँ पर वो बोलती है कि मॉम क्या आप अभी भी अपने डैड से उतना ही प्यार करती हो, एंड यहाँ पर वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे डैड से अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर ताकेमिची के लिए बोलती है, हाँ 10 साल से मैं भी प्यार करती हूँ किसी को, एंड वो है ताकेमिची। ताकेमिची सोच रहा होता है एंड अब वो फ्लैशबैक में याद करता है कि इसके डैड ने उसे कहा था कि इस क्रिसमस तुम उससे ब्रेकअप कर लो, अगर उससे तुम ब्रेकअप कर लोगे तो सारा मामला सुलट जाएगा। एंड यहाँ पे ताकेमिची को समझ में आता है कि उसने वो क्रिसमस वाले दिन उसे डंप क्यों किया था। अब यहाँ पर ये सभी लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, सब लोग ताकेमिची का ही वेट कर रहे होते हैं कि जो भी चीज़ें होंगी हम उसके बारे में आज ही डिस्कस करेंगे। एंड हीना को वो रात में जब बुलाता है एंड वो बता देता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है हीना तुमसे, एंड ये बात वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी मन से कह रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत ज़बरदस्त पंच मारती है, यानी कि हीना जो होती है बहुत ज़बरदस्त पंच मारती है एंड यहाँ पर ताकेमिची गिर जाता है एंड उसे काफ़ी सारे पंचेस मारती है। इस पर वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर बस कुछ ही चीज़ें सोचता है, उसके डैड, उसके प्रोमिसेस एंड बाकी चीज़ों को भी। एंड अब बड़े होने पर वो उसे याद करता है, तभी उसे याद आता है कि ये वही चीज़ें हैं जब डंप कर दी गई थी, यानी कि छोड़ दिया था हीना को, एंड हीना ने उससे सवाल किया था तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। ये चीज़ें फ्यूचर की हैं, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है पास्ट की चीज़ें, जब ये लोग कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। एंड इसी चीज़ को ताकेमिची याद कर करके बहुत ही ज़्यादा दुख रोता है एंड सी लिटरली यार मेरे भी आंसू निकल जाते। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं एंड देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि अभी ये देखते हैं कि ताकेमिची का फेस पूरा फूला हुआ है। तो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्रिस चर्च के अंदर हम लोग जाएंगे, बाहर ही वेट करेंगे ताइजू का, जो कि कल क्रिसमस नाइट है, तो हम लोग फाइट करेंगे एंड अटैक करेंगे ताइजू के ऊपर, और अगर वो बच गया तो अंदर तो उसका वेट हकाई कर ही रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हकाई अपने भाई को ना मारे, यही सबसे बड़ा प्लान है। और अगर अभी यहाँ पे फ्यूचर चेंज होता है तो शायद आगे चलकर भी कोई चीज़ें चेंज हो जाए और ब्लैक ड्रैगन का कोई मेंबर नहीं बचेगा। चिफुयू कहता है कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो, जिस पर हमें दिखाया गया है कि वो हीना को याद करता है एंड वो कहता है मैं तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हीना। ये सारी बातें वो अपने मन में कहता है एंड हीना को भी याद करता है। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हाँ मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मैं जैसे भी एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने ला पा रहा हूँ और बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो मेरे न्यू चैनल है उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।